चलिए बढ़ते हैं अब अपने अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में निजी बैंकों की स्थापना के लिए न्यूनतम चुकता पूंजी कितनी होनी चाहिए। भारत में निजी बैंकों की स्थापना के लिए न्यूनतम चुकता पूंजी कितनी होनी चाहिए, तो इसका आंसर है 500 करोड़ रुपए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नरसिम्हम समिति ने किस संबंध में सुझाव केंद्र सरकार को दिए। नरसिम्हम समिति ने किस संबंध में सुझाव केंद्र सरकार को दिए, तो इसका आंसर है बैंकिंग संरचना संबंधी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित बैंकों से अभिप्राय उन बैंकों से है जो डैश। अनुसूचित बैंकों से अभिप्राय उन बैंकों से है जो डैश, जिनका नाम आंसर पर आते हैं, जिनका नाम भारतीय रिजर्व बैंक की दूसरी अनुसूची में शामिल है, यानी भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की दूसरी अनुसूची में जिन बैंकों को लिस्टेड किया गया है, जिनका नाम दर्ज है, वो अनुसूचित बैंक कहलाते हैं। आते हैं अगले प्रश्न पर, अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड संस्था है। भारत की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड संस्था है, तो इसका आंसर है यूटीआई यानी यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, और इसकी स्थापना हुई 1964 में। आते हैं अगले प्रश्न पर, अगला प्रश्न है, बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण यानी इरडा IRDA का मुख्यालय कहाँ है। बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण यानी इरडा का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका आंसर है हैदराबाद में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्टॉक बाजार का विनिमयन और पर्यवेक्षण किसके द्वारा किया जाता है। भारतीय स्टॉक बाजार का विनिमयन यानी रेगुलेशन तथा पर्यवेक्षण यानी इंस्पेक्शन किसके द्वारा किया जाता है, तो इसका आंसर है सेबी के द्वारा। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और इसकी स्थापना हुई थी 1988 में। आते हैं अगले प्रश्न पर, अगला प्रश्न है, बुल एंड बियर शब्दावली का संबंध किससे है। बुल एंड बियर शब्दावली का संबंध किससे है, तो इसका आंसर है स्टॉक मार्केट से। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है। भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है, तो इसका आंसर है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है ये एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। अगला प्रश्न पर आ जाते हैं, अगला प्रश्न हमारा है, राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE की स्थापना की अनुशंसा किस समिति ने की थी। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE की स्थापना की अनुशंसा किस समिति ने की थी, तो इसका आंसर है फेरवानी समिति ने। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, नेक्स्ट प्रश्न है, चुनिंदा कंपनियों के शेयर मूल्यों पर आधारित शेयर मूल्य सूचकांक सेंसेक्स कितनी कंपनियों के शेयर मूल्यों पर आधारित है। चुनिंदा कंपनियों के शेयर मूल्यों पर आधारित शेयर मूल्य सूचकांक सेंसेक्स कितनी कंपनियों के शेयर मूल्यों पर आधारित है, तो इसका आंसर है 100 यानी कि 100। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दलाल स्ट्रीट कहां पर स्थित है। दलाल स्ट्रीट कहां पर स्थित है, तो इसका आंसर है मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निक्की क्या है, निक्की क्या है, तो इसका आंसर है टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का संवेदी शेयर मूल्य सूचकांक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक के खुले बाजार की कार्रवाई का अर्थ क्रय और विक्रय है डैश। रिजर्व बैंक की खुले बाजार की कार्यवाही का अर्थ है क्रय और विक्रय, तो इसका आंसर है सरकारी बॉन्डों का। RBI खुले बाजार की क्रियाओं के द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों या बॉन्डों का क्रय विक्रय करती है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सस्ती मुद्रा का क्या अर्थ है। सस्ती मुद्रा का क्या अर्थ है, तो इसका आंसर है कम ब्याज दर। जिस मुद्रा पर कम ब्याज दर होती है उसे सस्ती मुद्रा कहा जाता है, और जिस पर ब्याज की दर अधिक होती है उसे महंगी मुद्रा कहते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर, अगला प्रश्न है, बैंक दर में परिवर्तन से क्या प्रभावित होता है। बैंक दर में परिवर्तन से क्या प्रभावित होता है, तो इसका आंसर है ब्याज की
सॉरी ब्याज की बाजार दर, यानी कि आरबीआई बैंक दर में परिवर्तन करती है तो बाजार में इससे ब्याज की दर में परिवर्तन होता है। आरबीआई बैंक दर घटाती है तो बाजार में ब्याज दर घटता है, आरबीआई बैंक दर बढ़ाती है तो बाजार में ब्याज की दर ऊंची होती है या बढ़ती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है, जिस विदेशी मुद्रा में शीघ्र देशांतरण यानी देश छोड़ने की प्रवृत्ति हो उसे क्या कहते हैं। जिस विदेशी मुद्रा में शीघ्र देशांतरण की प्रवृत्ति हो उसे क्या कहते हैं, तो इसका आंसर है गर्म मुद्रा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे वास्तविक मजदूरी अथवा वेतन का प्रमुख निर्धारक माना जाता है। किसे वास्तविक मजदूरी अथवा वेतन का प्रमुख निर्धारक माना जाता है, तो इसका आंसर है मुद्रा की क्रय शक्ति को। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचार पत्रों में चर्चित MCX SX क्या है। हाल ही में समाचार पत्रों में चर्चित MCX SX क्या है, तो इसका आंसर है स्टॉक एक्सचेंज। MCX SX जो है ये देश का तीसरा ऑनलाइन स्टॉक एक्सचेंज है। इसका फुल फॉर्म होता है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज स्टॉक एक्सचेंज। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय बीमा क्षेत्र का नियमन कौन सी संस्था करती है। भारतीय बीमा क्षेत्र का नियमन कौन सी संस्था करती है, तो इसका आंसर है IRDA। भारतीय बीमा क्षेत्र का नियमन करती है IRDA, यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई। प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई, तो इसका आंसर है 1975। 2 अक्टूबर 1975 को 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना एक साथ की गई थी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी नोट जारी करती है। भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी नोट जारी करती है क्वेश्चन मार्क, तो इसका आंसर है नियत आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य तथा कीमत के बीच क्या संबंध होता है। किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य तथा कीमत के बीच क्या संबंध होता है, तो इसका आंसर है प्रतिलोम, यानी जैसे ही मुद्रा का मूल्य बढ़ता है वस्तु की कीमत घटती है, और वस्तु की कीमत यदि बढ़ती है तो मुद्रा का मूल्य घट जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है। भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है, तो इसका आंसर है वित्त मंत्रालय। भारत में सिक्के जारी करने के लिए वित्त मंत्रालय अधिकृत है। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन विदेशी माल के आयात हेतु विदेशी विनिमय को स्वीकृति देता है। कौन विदेशी माल के आयात हेतु कौन विदेशी माल के आयात हेतु विदेशी विनिमय की स्वीकृति देता है, तो इसका आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों में ऋण वितरण में निम्न में किसका हिस्सा सर्वाधिक होता है। भारत में कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों में ऋण वितरण में निम्न में किसका हिस्सा सर्वाधिक होता है, तो इसका आंसर है वाणिज्यिक बैंकों का। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कौन सी वाणिज्यिक शब्दावली उस क्रियाविधि को इंगित करती है जिसके माध्यम से वाणिज्यिक बैंक सरकार को उधार देती है। कौन सी वाणिज्यिक शब्दावली उस क्रियाविधि को इंगित करती है जिसके माध्यम से वाणिज्यिक बैंक सरकार को उधार देती है, तो इसका आंसर है सांविधिक तरलता अनुपात यानी SLR। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रेडिट कार्ड को किस नाम से जाना जाता है। क्रेडिट कार्ड को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर है प्लास्टिक मनी। क्रेडिट कार्ड को प्लास्टिक मनी के नाम से भी जाना जाता है। आइए देखते हैं अब हम अपने अगले प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हमारे देश में लगभग सभी बैंकों ने किसानों को फसल ऋण देने के लिए कौन सी सुविधा शुरू की है। हमारे देश में लगभग सभी बैंकों ने किसानों को फसल ऋण देने के लिए कौन सी सुविधा
शुरू की है? तो इसका आंसर है किसान क्रेडिट कार्ड योजना यानी कि केसीसी। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है रेपो दर का सही अर्थ क्या है? रेपो दर यानी रेपो रेट का सही अर्थ क्या है? तो इसका आंसर है बैंकों द्वारा आरबीआई से रुपए उधार लेने की दर। बैंकों के द्वारा आरबीआई से रुपए उधार लेने की दर को कहा जाता है रेपो दर। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है ओवरड्राफ्ट खाते में ग्राहक बैंकों का क्या होता है? ओवरड्राफ्ट खाते में ग्राहक बैंकों का क्या होता है? तो इसका आंसर है देनदार। ओवरड्राफ्ट खाते में ग्राहक बैंकों का देनदार होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रेडिट कार्ड ग्राहकों द्वारा पसंदीदा भुगतान का तरीका क्यों है? क्रेडिट कार्ड ग्राहकों द्वारा भुगतान का पसंदीदा तरीका क्यों है? तो इसका आंसर है ग्राहक कभी भी खरीदकर बाद में भुगतान कर सकता है, इसलिए क्रेडिट कार्ड ग्राहकों का पसंदीदा भुगतान का तरीका है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृषि तथा संबद्ध गतिविधियों के लिए दिए गए ऋण बैंक किस वर्ग में वर्गीकृत करते हैं? कृषि तथा संबद्ध गतिविधियों के लिए दिए गए ऋण बैंक किस वर्ग में वर्गीकृत करते हैं? तो इसका आंसर है प्राथमिकता तथा प्राप्त क्षेत्र ऋण में। आते हैं अब अपने अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वित्तीय विश्व में प्रयुक्त एफडीआई में एफ शब्द का क्या अर्थ है? वित्तीय विश्व में प्रयुक्त एफडीआई में एफ शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर होता है फॉरेन। एफडीआई का फुल फॉर्म होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, हिंदी में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, जिसमें एफ का अर्थ होता है फॉरेन यानी कि विदेशी। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है बैंकिंग लोकपाल डैश। बैंकिंग लोकपाल डैश यानी यहां पूछ रहा है बैंकिंग लोकपाल क्या है? तो इसका आंसर है ग्राहकों की शिकायतों का प्रावधान करता है। तो बैंकिंग लोकपाल योजना जो है ये विभिन्न बैंकों में लागू है। बैंकिंग लोकपाल योजना में क्या है? तो बैंकिंग लोकपाल योजना में यह है कि अगर किसी ग्राहक की बैंकिंग संबंधी किसी शिकायत का निपटारा संबंधित बैंक या उसके उच्च अधिकारियों के द्वारा नहीं किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति 2 माह के बाद, अगर बैंक 2 माह यानी 60 दिन में निपटारा नहीं करती है, तो वह व्यक्ति इस शिकायत को लेकर बैंकिंग लोकपाल के पास जा सकता है। आते हैं अब अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है भारत में खुदरा ऋण में सर्वाधिक प्रतिशत किसका है? भारत में खुदरा ऋण में सर्वाधिक प्रतिशत किसका है? तो इसका आंसर है आवास ऋण। खुदरा ऋण में सर्वाधिक प्रतिशत है आवास ऋण का। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा शेयर बाजार कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा शेयर बाजार कौन सा है? तो इसका आंसर है मुंबई। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है इनसाइडर ट्रेडिंग किससे संबंधित है? इनसाइडर ट्रेडिंग किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है शेयर बाजार। इनसाइडर ट्रेडिंग टर्म जो है ये शेयर मार्केट से संबंधित है। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है बैंकों की जो शाखाएं सीधे विदेशी मुद्रा विनिमय का कारोबार कर सकती हैं उन्हें विदेशी मुद्रा का डॉट डॉट कहा जाता है। बैंकों की जो शाखाएं सीधे सीधे विदेशी मुद्रा विनिमय का कारोबार कर सकती हैं उन्हें विदेशी मुद्रा का डॉट डॉट कहा जाता है यानी क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है अधिकृत डीलर। वैसे बैंक जो विदेशी मुद्रा विनिमय का सीधे सीधे कारोबार कर सकती है उन्हें अधिकृत डीलर कहा जाता है। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न आय समूहों को दिए गए अल्प राशि के ऋण क्या कहलाते हैं? निम्न आय समूहों को दिए गए अल्प राशि के ऋण क्या कहलाते हैं? तो इसका आंसर है सूक्ष्म ऋण यानी कि माइक्रो फाइनेंस। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो इसका आंसर है 1969 में। आते हैं अब आज हम अपने अंतिम प्रश्न पर। आज का अंतिम प्रश्न हमारा है भारत में शुरू की गई स्वाभिमान योजना किससे संबंधित है?
भारत में शुरू की गई स्वाभिमान योजना किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है ग्रामीण बैंकिंग से। ये जो अभियान स्वाभिमान था, ये ग्रामीण क्षेत्र के परिवारों को बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई थी। तो इस प्रकार हमने इन क्वेश्चन आंसर के साथ ही मुद्रा और बैंकिंग जो चैप्टर हमने शुरू किया था, उस चैप्टर का यहीं पर अंत होता है, उसका यहीं पर समापन होता है। परीक्षा के दृष्टिकोण से मनी एंड बैंकिंग चैप्टर जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपने देखा भी, ये चैप्टर काफी लंबा है, इसके कई एस्पेक्ट्स हैं। प्रश्नों में मैंने जो कॉमन प्रश्न है उनको शामिल नहीं किया है, जो महत्वपूर्ण प्रश्न और चैप्टर में कम चर्चा पर आए हैं उनको शामिल किया है। बैंक रिलेटेड, बैंकों की स्थापना, मुख्यालय, शेयर बाजार, सूचकांक, ये प्रश्न मैंने शामिल नहीं किए हैं। इन्हें आप चैप्टर को ही देख करके, चैप्टर से आप अच्छे तरीके से इसको तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि आगामी आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से ये काफी महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए, चैप्टर चूंकि काफी लंबा हो चुका है इसलिए हम ज्यादा बात इसमें नहीं करते हैं, और इसी बात के साथ आज के अपने क्लास का एंड करते हैं। आप लोग कमेंट जरूर कीजिए और साथ ही साथ वीडियो कैसा लग रहा है आप हमें जरूर बताइए। अच्छा लगे, बुरा लगे, जो भी है कमेंट कीजिए। आपका कमेंट हमें और बेहतर करने के लिए प्रेरित करता है, तो कमेंट जरूर कीजिए। इसी के साथ चलिए आज के इस वीडियो का एंड करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंडियन इकोनॉमी के कुछ नए टॉपिक्स के साथ में। टिल देन थैंक यू वेरी मच।